हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेके आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स जो डबल ए का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का। फ्रेंड्स तो कुछ फ्रेंड्स का मेरे का ये कहना था, अभी मेरे पास जो से कमेंट आए थे उनमें बोल रखा था फ्रेंड्स के मतलब ये पेपर नहीं था सर, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स सभी से, जिनके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ आप हमारी मेल आई डी पर मेल कर दीजिए, उसका पिक क्लिक करके आप पेपर पर लिख के नोट डाउन करके उसे प्लीज़ हमें उसकी पिक क्लिक करके हमारे पास भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपके लिए दे सकते हैं selfstudy44@gmail.com। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपके पास है क्वेश्चन पेपर तो प्लीज़ जो क्वेश्चंस आपको याद हैं मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, चाहे कोई भी हो, तो आप हमें कमेंट करके या हमारे पास मेल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इस आईडी पर। चलिए फ्रेंड्स जो हमारे पास हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बोल रखा है, मैंने सुना है कि मतलब अभी श्योर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उससे पहले डाला था उसमें भी श्योरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि कुछ बताया था हमें तो ऐसे ही मिल गया था कि मतलब क्यों कल यहाँ बारिश बहुत तेज़ थी तो यहाँ पे फ्रेंड्स मिल भी नहीं पाया मैं मतलब स्टूडेंट से। तो देखिए ब्लैक का आया था एंटोनेम निकालना था फ्रेंड्स, तो ब्लैक का एंटोनेम आप बता सकते हैं, उसमें जो ऑप्शन होगा वाइट ब्राइट जो भी होंगे आप कर सकते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्क थे दो एक्टिव पैसिव थे और हमारे पास एक पैसेज था, उसमें थे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उसमें बोल रखा 4 क्वेश्चन थे करीब। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो मैथ का क्वेश्चन था ये था, ये क्वेश्चन दे रखा था जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भी बता सकते हैं आपके लिए। चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वैसे तो हमने आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए थे उसमें आपके लिए बताया था, समाकलन के कुछ क्वेश्चन बताए थे आपके लिए, उसमें सॉल्यूशन बताया था इसका, अगर आपने किया हो तो, अगर नहीं किया तो बताते हैं चलो कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका लॉग एक्स का करेंगे, तो लॉग एक्स का क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ 1 दे रखा है 1 प्लस, ये हो गया लॉग एक्स का फ्रेंड्स। क्लियर, लॉग का करते हैं तो अब देखो अब इसका करेंगे तो अंदर करेंगे इसका क्या होगा 1 प्लस, अब इसका करेंगे तो यहाँ क्या आएगा अपॉन में 2 भी होगा फ्रेंड्स। क्लियर, अब देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स मतलब 2x आएगा, तो 2 से 2 कट गया फ्रेंड्स। तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए ये इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए बताते हैं, जब हमने एलसीएम लेके करने के बाद करते हैं, देखिए ये तो हमारे पास रहेगा ही ऐसे। क्लियर, अब देखो हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर जो एलसीएम लेके कर रहे थे तो यहाँ तो ये आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस एक्स और अपॉन में हमारे पास ये था ही। क्लियर, ये था, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो टर्म है हमारे पास इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आता है 1 अपॉन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने आपके लिए जो समाकलन के कुछ क्वेश्चंस डाले थे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन ये करा भी रखा उसमें है भी ये। अगर देखिए अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए प्लस वन है ये 1 से, अब देखिए अगर पुट करते हैं इसमें 1 तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन √2। क्लियर, अब देखिए माइनस, आप देखो माइनस का पुट करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 1 अपॉन √2, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं दोनों इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 अपॉन √2, ये भी 1 अपॉन √2 और माइनस का साइन लगाओ फ्रेंड्स तो आंसर इसका क्या आएगा 0, दोनों आपस में घट जाएंगे तो क्या आएगा आंसर 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमने आपके लिए बताया था फ्रेंड्स, जिसमें बताया था आपके लिए कि कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए बताया था, सॉरी फ्रेंड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें बताया था ये, मतलब ये तो मैं सॉल्व करके बताया था, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे कर रहे थे हम आपके लिए बता दें, अगर फ्रेंड्स 1 माइनस में कर दूं या कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इस जगह, ऐसे ही मैं इसे कर दूं या 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा, समझ पा रहे होंगे इस बात को आप, कर सकता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाली टर्म क्या बनती है, ऊपर वाली टर्म बनती है फ्रेंड्स 2 sin² मतलब 2 बनती है हमारे पास 2 sin² θ/2, ये वाली फॉर्म बन जाएगी 2 sin² θ/2। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो देखिए 2 sin² θ/2 बनेगी तो हमें कैसे करेंगे इसे, ये बन गया साइन वाला तो हमारे पास आया ऊपर 2 sin² θ/2 मतलब 1/2 आगे लगा देते हैं, थीटा क्या था हमारे पास 90 माइनस एक्स और यहाँ क्या था 2 cos 1/2 मतलब स्क्वायर इस पे भी है 90 माइनस थीटा। क्लियर, समझ पा रहे होंगे इस बात को, देखिए 2 से 2 कट गया तो अंडर रूट लगा हुआ था इस पे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या बनेगा 10 बन जाएगा, 10² 1/2 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस एक्स बनेगा फ्रेंड्स। क्लियर, तो आप इसे लिख सकते हैं 10, तो हमारे पास बचेगा फ्रेंड्स 10
और यहाँ आएगा फ्रेंड्स 10, 1 अपॉन 2, 90 माइनस ये आएगा फ्रेंड्स। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। और यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे होगा फ्रेंड्स कॉट इनवर्स है ही। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ कॉट इनवर्स है तो हमें क्या चाहेंगे, हम यहाँ चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमारा ये किस में चेंज हो जाए, यहाँ पे जो दे रखा है हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, ये चेंज होना चाहिए किस में, ये हमारा आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे बात करें 10 अगर कॉट में लेके आ जाएँ फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं सॉरी यहाँ 10 की जगह कॉट लेके आ जाएँ तो कॉट से कॉट हट जाएगा हमारा। क्लियर, समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो कैसे करेंगे फिर, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे, जब हमारे पास लिखा हुआ था 10 1 अपॉन 2, मतलब चलो अंदर अप्लाई कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो अंदर अप्लाई करेंगे उनका तो क्या होगा, 90 की जगह क्या हो जाएगा 45 होएगा, 1 अपॉन 2 को अप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो 45 को ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या था, माइनस का x था तो x अपॉन 2 हो गया जब हमने 2 को अंदर अप्लाई किया। क्लियर, तो फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, कॉट में कन्वर्ट करना। तो कॉट के लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, कॉट कर देता हूँ मैं, कॉट यहाँ कर देता हूँ फ्रेंड्स 90 माइनस कर देता हूँ जो हमारे पास जो थीटा दे रखा है, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप सब जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा फ्रेंड्स, देखिए ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आएगा कॉट 45 प्लस एक्स अपॉन 2, ये आएगा फ्रेंड्स जब हमने करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ कॉट इनवर्स लगा हुआ है, तो कॉट से कॉट कट जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब फ्रेंड्स इसका क्या करना है हमें, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसे डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 1 अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका फ्रेंड्स 1 अपॉन 2। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए लॉग वाला क्वेश्चन दे रखा था, लॉग वाला क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना था फ्रेंड्स, आप जानते हैं 16 का स्क्वायर क्या होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, देखिए कैसे 16 का स्क्वायर और अपॉन यहाँ लिख दूंगा, लॉग 16 था, अब ये 16 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग 16 और नीचे क्या आएगा लॉग 16, तो लॉग 16 से लॉग 16 कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या आता है 2। क्लियर, तो हमारे पास आता है फ्रेंड्स 2 इक्वल टू लॉग एक्स। तो फ्रेंड्स जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कभी कभी क्या बोलते हैं ई होता है या फिर 10 मार के चलते हैं। उसने एक्स की वैल्यू पूछी है तो फ्रेंड्स समझा इस जगह क्या मानेंगे 10। अगर सिंपली पूछता तो ई दे रखा होता फ्रेंड्स, यहाँ 10 दे रखा होगा, जरूर यहाँ पे 10 दे रखा होगा, तभी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको बता दूं, जो बेस होता है फ्रेंड्स, बेस इसके पावर मतलब ये आ जाता है, इस तरीके से बन जाता है। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा फ्रेंड्स 100 आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 100। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रखा था हमसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसे टर्न, आप इसे अप्लाई करके देखिए, आप इसमें अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स कुछ भी अप्लाई करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं लेता हूँ यहाँ मतलब आर की वैल्यू लेता हूँ, आर की वैल्यू मैंने ली 1, यहाँ पे पुट होगी 1, मतलब इस पे 1 हो जाएगा पावर, और यहाँ 1 ली तो यहाँ क्या होगा 5 होगा पावर में। क्लियर, तो देखिए यहाँ एक्स की पावर 5 होगा, यहाँ क्या होगा एक्स की पावर 2, तो काटेंगे तभी भी हमारे पास 3 आएगी, यहाँ पे 3 मतलब इसकी भी क्या गुणांक क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 3 स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स की पावर 3 आएगा। अगर मैं इसका 2 टाइम्स लेता हूँ तो देखिए 2 करूँगा तो क्या करूँगा एक्स की पावर यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 4, तो 4 तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो एक्चुअली बात यह है फ्रेंड्स, इसमें कोएफिशिएंट निकलेगा ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट ये निकलेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं हमारे पास, तो जब आएगा ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा डायरेक्टली 0 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये सीरीज दे रखी थी फ्रेंड्स, सीरीज को कैसे करना है हमें सॉल्व, देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स इसे देखें तो 3 × 4 हो रखा है 12, यहाँ देखेंगे 12 × 2 करेंगे तो नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ अलग ट्रिक लगी हुई है। तो देखिए ज़रा सोचेंगे हम इसमें क्या लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कैसे होगा ये, आप देख सकते हैं इनमें दोनों डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें डिफरेंस आपको मिलेगा फ्रेंड्स देखिए 9, इन दोनों डिफरेंस देखिएगा कितना है 15, मतलब 6 ज़्यादा, इनमें देखेंगे तो कितने का है, देख पाएंगे फ्रेंड्स इसमें कितने का है 21, मतलब इसमें भी 6 ज़्यादा फ्रेंड्स। और देखिए इसमें कितने का है, इन दोनों डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आएगा फ्रेंड्स 27, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सबट्रैक्ट करके। देखिए फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा आप समझ सकते हैं, इसमें 27 में 6 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 27 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 33। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आप 33 ऐड कर दीजिए, हमारे पास यही वैल्यू आएगी 108। तो 108 में मतलब फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 39। तो 39 ऐड कर दीजिए हमारे पास अगली फाइंड हो जाएगी। तो ऐड करेंगे फ्रेंड्स क्या आएगा, देखिए
77 और यहाँ आएगा 4, ये 147 आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट देखा, इसने पूछा रखा इसका लंब क्या होगा, मतलब एक पॉइंट दे रखा था, पॉइंट से हमें एक लंब निकालना होता है। जैसे यहाँ बोल देते एच और के दे रखा है, यहाँ एक समीकरण दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना फ्रेंड्स, लंब क्या होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए बताते हैं क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है इसका, बोलते हैं ए एच बी के प्लस सी अपॉन होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मतलब देखिए एच और के होता क्या होता है फ्रेंड्स, एच और के इसे बोलते हैं, और ए और बी की बात करें तो इक्वेशन का जो कोफिशियंट होता है ना, एक्स का कोफिशियंट वाई का कोफिशियंट, ये ए हो गया बी हो गया, और सी क्या होता है जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है सी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आपके सामने फॉर्मूला आपको पता चल गया, देखिए पुट कर दीजिए इसी में। तो पुट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका कोफिशियंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशियंट यहाँ क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस, अब इसका कोफिशियंट क्या था, इसका कोफिशियंट हमारे पास 1 है तो 3। अब देखिए प्लस करते थे हम सी, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा माइनस का, क्या दे रखा सी, तो माइनस 11 हो गया अपॉन। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं ए का स्क्वायर क्या है, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए हमारे पास क्या आता निकल के, ये हो गया 5 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6, तो माइनस का 6 आया, माइनस का 6 अपॉन रूट 2। क्लियर, ये हमारे पास आ रहा है, या फिर हमसे ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू लिख सकता था मैं 2, और यहाँ लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, तो इसे काटेंगे तो फ्रेंड्स अंडर रूट इस पर चढ़ जाएगा, तो ये भी हो सकता है फ्रेंड्स इसका आंसर। जितना जो भी आपके पास ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। एलसीएम ले देंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर देखिए ए का ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 16 हो गया डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये प्लस का है, तो यहाँ क्या आएगा 16 प्लस 2ab, और यहाँ से क्या आएगा माइनस 2ab, यहाँ से क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस का 2ab वाली फॉर्म आएगी, यहाँ से क्या आएगी माइनस का 2ab वाली। तो फ्रेंड्स आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे काट सकते हैं, तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी वैल्यू वही आएगी, तो आगे क्या जाएगा 2 कॉमन होगा इसमें से। क्लियर, उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे आप। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल लग रही हैं आपको। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो सकता है, या फिर से आगे इक्वल जो दे रखा है हमारे पास इसे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए इसमें बोल रखा है जीपी सीरीज। अब देखिए फ्रेंड्स इसे श्योरिटी हम नहीं बोल सकते क्वेश्चन सही है, क्योंकि आप देखिए जब हम निकालते हैं टी की पावर 4 निकालेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बनेगा, ये बनता है। क्लियर, तो देखिए इसके इक्वल रखूँगा मैं 4, और हमारे पास ये दे रखा है कितना 9, मतलब 10 की पावर देन सॉरी टी वा, मतलब 10 वा पद पूछा तो क्या बोल रखा है 9 बोल रखा है, तो उसने पूछा 6 वा पद क्या होगा, तो 6 के लिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर 6 निकालेंगे तो 6 का पद कौन सा होगा, ए 5 होगा। क्लियर, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को क्या होगा, जब छठवां पद पूछा तो ये होगा हमारे पास। तो देखिए जब हमारे पास छठवां पद ये होगा तो हम क्या करें कि हमारे पास आंसर इसमें से फाइंड हो, तो देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ फ्रेंड्स आपस में परस्पर डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो देखिए ए से ए कट जाएगा, यहाँ का बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स ऊपर क्या होगा 1, और यहाँ 4/9, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आर की पावर 6 यहाँ क्या बचेगा 4/9 बोल रहा था मैं आपके सामने, तो क्या बचेगा 9/4, और नीचे क्या ये आएगा हमारे पास इसका पावर। तो देखिए फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे इसमें कुछ मिस्टेक है, अगर आपके पास सामने अगर करेक्ट होती तो यहाँ मुझे लगता है ये 5 की पूछी होगी फ्रेंड्स, अगर 5 की पूछता सॉरी 7th की पूछी होगी, 7th की पूछता तो आप आराम से डायरेक्टली इसी वैल्यू को पुट करते तो फाइंड हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी फ्रेंड्स जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट कुछ हमारे पास वैल्यू बनेगी तभी हमारा फाइंड हो पाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पेपर्स है तो आप प्लीज़ हमें लिख के उसे मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, प्लीज़ प्लीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास कुछ इस टाइप का, तो फ्रेंड्स इसे कैसे करेंगे आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास डैश लगा हुआ हो, ये क्वेश्चन भी हमने आपके लिए करा दिया है फ्रेंड्स, आपके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे 50 उनमें ये कराया था, उनमें बताया था देखिए डैश लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ जब डैश लगा हुआ है तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो यूनियन होता है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए बी डैश हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा ए डैश, ये हो जाता है फ्रेंड्स इसका। क्लियर, तो देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या है ए इंटरसेक्शन, अब देखिए यहाँ क्या बनेगा इंटरसेक्शन ए डैश, तो देखिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन, अब ए का इंटरसेक्शन, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सभी क्या है ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, सॉरी ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ ये बनेगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे,
फ्रेंड्स इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें सबका क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है, तो आप इसने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो सॉरी इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैस इंटरसेक्शन ए डैस इंटरसेक्शन, क्यों सभी का क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ही हो रहा है, क्लियर। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। और आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर आपको बता दूं फ्रेंड्स, जीरो ही आएगा। क्यों आएगा फ्रेंड्स, देखिए क्यों जीरो आएगा इसका, अगर मैंने बोल दिया ए आपके सामने है, सॉरी फ्रेंड्स पहले एक्स बोलता हूँ, एक्स आपके सामने दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ दे रखा है ए की वैल्यू ये दे रखी है, तो ए डैश क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ए डैश निकलेगा जो इसमें एलिमेंट नहीं है उसके बाकी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं ना, तो वो होंगे कौन सा 4 और 5, क्लियर। ये होंगे इसके इंटरसेक्शन, इसका जो हमने उसका क्या लेंगे ए डैश निकालेंगे फ्रेंड्स, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये 4 और 5। तो देखिए अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, रिक्त समुच्चय निकलेगा, क्या निकलेगा रिक्त समुच्चय, क्लियर। या तो इसका आंसर आपका 5 होगा वहाँ पे, ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरीके से होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मिला है फ्रेंड्स हमारे लिए, इसमें बोल रखा है फ्रेंड्स के दो पॉइंट थे हमारे पास, पॉइंट हमें पता नहीं है, उसके बेस पे हम आपके लिए क्वेश्चन बता सकते हैं। देखिए दो पॉइंट बोल रखे हैं, उसने बोला है उनका अनुपात मतलब रेशियो जो बोला है आंतरिक अनुपात क्या बोला 2:1, तो हम इसे आप जानते हैं रेशियो फाइंड करने का, तो पॉइंट निकाला था हमें मिड पॉइंट निकालना था, मतलब यहाँ बोल देते हैं आर निकालना हो तो आर निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं आर के पॉइंट निकल के आ रहे हैं एक्स और वाई, तो देखिए एक्स इक्वल टू कैसे निकलेगा m1 × x2 + m2 × x1 और m1 + m2। तो फ्रेंड्स हम ऐसे फाइंड कर पाएंगे, क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। ऐसे हम y का लेंगे तो फ्रेंड्स y में सेम यहाँ y होगा, y2 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, और बाकी का हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। अब देखो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो तरंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे थे फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था कि लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होती है, वेग वेलोसिटी वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिले थे फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस हमारे पास है नहीं फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए नहीं बता पा रहे। तो आपके पास अगर हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या प्लीज़ हमारी मेल आई डी पर मेल कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर